हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बेसिक मैंने समझाया था और इसके 13 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। आज जो बचे हुए 7 क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के लिए अर्थमेटिक या फिर एडवांस मैथ या फिर रीजनिंग सीखना चाहता है या फिर उनके PYQ चेक करना चाहता है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके आप उसको जरूर चेक करें और इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक पहले पार्ट में हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं। एट व्हाट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। मतलब अगर हम प्रिंसिपल पी रखेंगे तो यहाँ पर वो उस मनी को वो ट्रिपल कर देगा। ट्रिपल करने का मतलब है 3P हो जाएगा 8 साल के अंदर, तो आर परसेंट क्या होगा। सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं प्रिंसिपल को मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 है तो 3P करने का मतलब 300 बनना है। तो P तो हमारे पास ये 100 अवेलेबल ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ R जो हमें फाइंड करना है, T हमारे पास कितना आएगा 8 ईयर्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में और टाइम कितना होगा डिवाइड बाय 100। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अगर 100 रुपये की वैल्यू आपको 300 रुपये के बदले में मिल रही है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है अलग से। इंटरेस्ट आपको 200 रुपये, तो यहाँ पे आप प्लस का 200 लिख लेंगे। क्लियर, हमेशा प्लस का ही आएगा वैसे। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर लो P इंटू आर। और प्रिंसिपल की वैल्यू अगर मैं चेक करूँ तो प्रिंसिपल की वैल्यू है कितनी मेरे पास 100 थी, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 200/8। सारे स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25%। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके खुद जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, इन ए सिंपल इंटरेस्ट ₹800 अमाउंट टू 920। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल 800 जमा करवा दिया और अमाउंट मतलब उसको अमाउंट मिलेगी ₹920 की आफ्टर 3 ईयर्स। तो उसने पूछा है कि ये बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं इंक्रीज कर दूं बाय 3% तो न्यू अमाउंट कितनी होगी। आर परसेंट मैंने बहुत बार समझाया है कि हमेशा पर एनम होगा। एक साल में अगर 3% का इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 9% का। तो 800 रुपये के बदले में आपको टोटल इंटरेस्ट अभी कितना मिल रहा है, यहाँ पे 9% का मिल रहा है। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे 72 रुपये का। 72 रुपये का इंटरेस्ट आपको फालतू मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने इंक्रीज किया है। तो जो पहले इंटरेस्ट मिल रहा था, जो पहले अमाउंट मिल रही थी वो तो मिलेगी मिलेगी, इसमें 72 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। तो अभी के लिए 992 रुपये मिलेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से मैं समझा रहा हूँ उसको भी आप समझ सकते हैं। मान लो कि प्रिंसिपल है मेरे पास यहाँ पे कितना गिवन है 800 रुपये, अमाउंट हमारे पास कितनी गिवन है 920 रुपये। अमाउंट क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अगर अमाउंट की बात करें 920 है और प्रिंसिपल 800 है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यार SI की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो 120 होगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल है और आर परसेंट में पता नहीं, टाइम हमारे पास है यहाँ पे 3 साल का और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मेरे पास SI आएगा। PRT बाय 100 करेंगे तो SI कितना रखेंगे हम यहाँ पर 120 रुपये। क्लियर, यहाँ पर ये वाले पॉइंट इससे कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 8 और 3 हमारे पास यहाँ पे 24 हमारा इससे कट जाएगा 5 बार, तो R परसेंट कितना आ गया 5% आ गया। उन्होंने अब क्या बोला हुआ है, अब ये बोला हुआ है कि प्रिंसिपल तो 800 ही रहेगा, R परसेंट जो 5 आया था वो आपका यहाँ पे 3% से इंक्रीज हो जाए। तो अभी 5 और 3 ऐड करेंगे तो R परसेंट 8 हो जाएगा। P इंटू R इंटू T, T कितना है मेरे पास यहाँ पे 3 ईयर्स, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मेरे पास न्यू इंटरेस्ट आएगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कटेंगे और यहाँ पे आएगा 64 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 192 रुपये एज ए इंटरेस्ट। मतलब आपके पास 800 रुपये तो प्रिंसिपल था, 192 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, तो नया आपके पास अमाउंट 992 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही अप्रोच है। शॉर्टकट मैंने इस क्वेश्चन का पहले बता दिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा उसको आप देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ए पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इन फोर सिक्स ईयर 10 ईयर्स 12 ईयर्स फॉर डिफरेंट आर परसेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द कंप्लीशन ऑफ द ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट। ध्यान रखें यहाँ पे सेम इंटरेस्ट की बात की गई है, सेम अमाउंट की बात नहीं की। अगर सेम अमाउंट होगा तो अमाउंट को बराबर करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट बराबर करेंगे तो इंटरेस्ट को करेंगे, क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर P1 पे तीनों का प्रिंसिपल ले लेते हैं, P2 P3। हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा ना तीनों की तीनों बराबर है या कैसे है, तो हम अलग अलग लिखेंगे।
सो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू आर, आर कितना यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सॉरी पहले वाले का आर कितना यहाँ पे 10%, तो पहले वाले का आर परसेंट, पहले वाले का टाइम डिवाइड बाय 100। पी टू इंटू आर, आर दूसरे वाले का कितना यहाँ पे 12%, दूसरे वाले का टाइम कितना है मेरे पास यहाँ पे 10 साल और डिवाइड बाय 100। पी थ्री इंटू आर, आर कितना है मेरे पास यहाँ पे तीसरे वाले का 15%, टाइम कितना है 12 साल डिवाइड बाय 100। तीनों का हमारे पास इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, 60 से ये 120 हमारा दो बार, 180 हमारा तीन बार कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा पी वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी टू इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ पी थ्री। अब सारे बच्चों को ये तो पता है कि यहाँ से अगर मैं ये वाली रेशो बनाना चाहूंगा तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है मेरे पास 1, 2, 3, तीनों का एलसीएम आएगा 6। 6 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे सॉरी 6 आएगा। तो ये आपके पास तीनों प्रिंसिपल का रेशो आएगा 6, 3, 2, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। उन्होंने यही बोला था कि इंटरेस्ट को इक्वल करो और उसके बाद बताओ इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी कितनी कितनी आएगी, 6, 3, 2 की रेशो में आएगी, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर लास्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन भी जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, सम ऑफ ए मनी अमाउंट 8400 आफ्टर 3 ईयर। देखो जब भी आपके पास अमाउंट 2 लिखा आएगा या फिर बिकम लिखा आएगा, इसका मतलब हमेशा याद रखें, इसका मतलब हमेशा अमाउंट होता है, अमाउंट हमारे पास होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 8400 आफ्टर 3 ईयर है, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई जो होगा वो होगा यहाँ पर 8400। और आगे चेक करो प्रिंसिपल 6 साल का एसआई हमारे पास कितना है यहाँ पे 12000 रुपए। क्लियर। अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो अगर मैं यहाँ पर दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दूं तो आपको पता चल जाएगा पी से पी कट करेंगे तो 3 साल का एसआई आएगा 12000 माइनस 8400 दैट इज इक्वल टू 3600। तो यहाँ से 1 साल का एसआई मेरे पास यहाँ पे 1200 आएगा, और वैसे तो 3 साल का एसआई आपके पास 3600 आ चुका है। इसको पहली इक्वेशन के अंदर दोबारा से फिल कर दें तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल 3 साल का एसआई इक्वल टू 8400, तो क्या यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा जब इसको इधर से माइनस करेंगे दैट इज 4800। उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने यहाँ पे आर परसेंट पूछा है, तो आर परसेंट क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम अगर मैं यहाँ पे 3 साल का लिखकर डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, अगर मैं 1 साल का रखूंगा तो 1 साल का इंटरेस्ट। क्लियर। तो पीआरटी बाय 100 इक्वल टू इंटरेस्ट। तो यहाँ से आपके यहाँ पे 2 से 2 जीरो कटेगी, ये वाला 3 आपके पास यहाँ पे कट जाएगा 1200 के आसपास आ जाएगा, और ये वाला 48 इससे कटेगा 48 था यहाँ पर कटेगा 4, 4, 25, तो आप इसको कैलकुलेट करो 25% आ रहा है। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते, सम ऑफ 88000 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन टू पीपल ए एंड बी एट द इंटरेस्ट ऑफ 4% एंड 5%, द टोटल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 2 ईयर्स इज इक्वल टू 750, तो फाइंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए एंड बी। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे 8000 है, हम 2 बंदों के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो एक बंदे को मान लो 100 रुपये मिले तो दूसरे को 8000 में से 100 रुपये कम मिले होंगे। और पहले बंदा कहता है कि अगर प्रिंसिपल पहले का एक्स है, उसने यहाँ पे बोला है कि टाइम आपके पास 2 साल का है, आर परसेंट 4 और 5 है, तो अगर मैं इसका आर परसेंट और टाइम डिवाइड बाय 100 करूं और यहाँ पे इसका 8000 माइनस एक्स का प्रिंसिपल, इसका यहाँ पे टाइम और आर परसेंट मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों का इंटरेस्ट ऐड करने पे क्या मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा बताओ। अगर ये आएगा तो यहाँ से आप सारे स्टूडेंट एक्स की कैलकुलेशन कर पाओगे, और जितनी भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे और यहाँ पे रखने के बाद उनकी आप रेशियो बना लोगे तो आंसर आ जाएगा, और ये थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अदरवाइज आपको मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पे ध्यान से समझना होगा, एक बार में समझने की कोशिश करें, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आपको मैं मिक्सचर एलिगेशन में बहुत अच्छे से इन चीजों को आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी हमारा मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक नहीं है। बट फिर भी अगर क्वेश्चन है तो कर लेंगे मिक्सचर एलिगेशन से। 4% है तो मान लो कि 8 का 8000 आपने 4% के ऊपर दे दिया 1 साल के लिए, तो 8000 का 4% कितना होगा 320, ये तो निकालना आता है सबको। अब मान लो कि 8 का 8000 आपने 5% के ऊपर दे दिया, तो 8000 का 5% कितना हो जाएगा 400, बट आपको 2 साल के बाद यहाँ पे 750 रुपये मिल रहे हैं, 750 रुपये 2 साल के बाद मिल रहे हैं, तो 1 साल के बाद कितने मिलेंगे 375 रुपये मिलेंगे,
दो साल में अगर 750 मिल रहे हैं, 375 एक साल के मिलेंगे, और इसका कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस आएगा 55। यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25। और जो भी इनकी रेशियो आएगी हमारे पास, वो रेशियो वही होगी जो मैं आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोल रहा था। क्लियर है? तो 5 और 11 की रेशियो हमारे पास बन के आएगी, जो कि ऑप्शन सेकंड है, ये आपका सही उत्तर है। या तो आप इस मेथड से करो या फिर इसको सीख लो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2000 रुपए है, इसको 6% के ऊपर आप सारे का सारा दे दो। 2000 का 6% कितना हो जाएगा 120। फिर आपने 2000 का 2000 8% के ऊपर दे दिया, तो 8% कितना हो जाएगा यहाँ पे 160। और यहाँ पे देखो 4 साल में 500 रुपए मिल रहे हैं, तो एक साल में कितने मिलेंगे आप इसको डिवाइड करोगे तो 125 रुपए मिलेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो मिक्सर एलिगेशन, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। जो भी आपके पास रेशियो आएगी, वो रेशियो हमारे पास आएगी जो कि इसके अंदर डिवाइड किया गया था। मान लो पैसा जो था 2000, कुछ पैसा इसको कुछ पैसा उसको, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, वही हमारे पास रेशियो आएगी। और आप सारे बच्चे चेक कर लो इनका टोटल कितना हो गया हमारे पास 8, और 8 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है हमारे पास टोटल 2000, जितना पैसा डिवाइड करना था। उन्होंने पूछा कि ये बताओ 8% के ऊपर कितना पैसा दिया, तो 8% के ऊपर 1 रुपया दिया, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 से डिवाइड करोगे 250, और यही उन्होंने पूछा हुआ था, यही हमारा उत्तर है। क्लियर? अगर ये पूछ लेते ये बताओ 6% का पैसा कितना है, तो आप 7 की वैल्यू निकाल देते। आगे तो देखो कंपेयर करने वाला पार्ट आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 20। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 20 years इफ एट ए सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो नाउ वी नो कि प्रिंसिपल यहाँ पे है, और उसने क्या बोल दिया यहाँ पे थ्राइस पी का मतलब 3p, कितने साल के अंदर, 20 साल के अंदर। देखो ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, सेम कंपाउंड में भी आते हैं, एफकेड या सीडीएस के अंदर सेम आपके पास यहाँ पे सिंपल के ऊपर भी आते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। 20 साल के अंदर अगर 3p हो रहा है, तो सिंपल सी बात है आपको 2p ऐड करना पड़ेगा। कंपाउंड में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल सिंपल में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे +2 करोगे तभी तो 3p होगा। और अगर मैं आपको बोल दूं कि प्रिंसिपल से आपने डबल लेकर जाना है, 2p करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1p ऐड करना पड़ेगा। आप सोच के देखो 2p ऐड करने के लिए 20 साल लगने हैं, तो 1p ऐड करने के लिए 10 साल लगेंगे या नहीं लगेंगे बताओ। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? आप इसको R% निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, और ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, और जिस बच्चे ने अभी तक ये चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको और भी सेशन के और भी यहाँ पे PDF वगैरह अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है? तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।